हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विषय में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट न्यूज इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था क्योंकि पिछले वीडियो मैंने ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनोग्राफ की पर्टिकुलर वीडियो अपलोड की थी, कट ऑफ से लेकर हर चीज़ से लेकर, तो उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट का लगभग 500 से ज़्यादा कमेंट आ चुका है। फ्रेंड्स, सारे कमेंट का मैं रिप्लाई भी किया कर चुका हूँ, तो उसमें सारे स्टूडेंट का फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस को लेकर आ रहा था। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने पर्टिकुलरली इसी प्रोसेस पर बताया है कि सारे चीज़ जैसे आपका अगला प्रोसेस क्या होगा स्टेनोग्राफर के एग्जाम के बाद। कुछ बच्चों के टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है, जो स्क्रॉल बार उनको नहीं बताया गया या वो चीज़ स्लाइड नहीं हुई, हाइड करके उनको टाइपिंग करना पड़ गया था। नियुक्ति पत्र पाने के लिए अभी नियुक्ति पत्र के लिए अभी क्या, या नियुक्ति पाने के लिए इसके पहले आपका प्रोसेस क्या क्या होगा, मेडिकल आपका कहाँ पर होगा या कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा, कितने बच्चे बुलाए जाएंगे फाइनल मेरिट में, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से कि फ्रेंड, जैसे ही पिछले वीडियो में सारे पे आपका आप सभी का प्यार आया है और आप जितने भी कमेंट करोगे, मैं नियर अबाउट सारे कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, नियर अबाउट 500 to 700 कमेंट का रिप्लाई किया हूँ 2 से 3 वीडियो में, भी पिछले वीडियो में जो इस चीज़ से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन यहाँ से मिलती रहेगी, और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पॉइंट के उस क्वेश्चन का जिसमें मेरे पास में सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया कि फ्रेंड्स, काफ़ी सारे बच्चों के इंस्टीट्यूशंस पे जो थे कि टाइपिंग में प्रॉब्लम हुई है, टाइपिंग प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज़ को लेके गई थी, स्क्रॉल बार जो आप था वो चीज़ नहीं बताई गई, किसी सेंटर पर शिफ्ट की या ऐसे कुछ प्रॉब्लम कुछ बच्चों के साथ हुई। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगा एक चीज़, एक आइडियो बताना सुनाना चाहूँगा जो मैंने अभी हाई कोर्ट में कल ही बात किया है इस चीज़ से रिलेटेड। तो पहले तो जो नंबर सेल जो लग था पहले पे उस पे ये सारी प्रक्रिया की नहीं बताई गई है, दूसरा नंबर प्रोवाइड किया गया इससे रिलेटेड। तो मैंने पहले आपको आइडियो सुना देता हूँ, उसके बाद सारी नोटिफिकेशन जो है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट होता है कि सर ये चीज़ सही है या गलत है, तो उस चीज़ को लेके। फ्रेंड्स, आइडिया सुनाने का मकसद सिर्फ एक चीज़ था, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ एक दो पर्सन का कमेंट भी आता कि सर ये चीज़ जेन्युइन है कि नहीं है या ऐसे ही किसी भी चीज़ को लेके बनाया जा रहा है, तो मैंने इस चीज़ के लिए वो किया। सबसे पहले पहले नंबर पे जो हम लोग ट्राई करते थे 2422 2999 पे, उस पर कॉल नंबर पर अब आप करके वो सारी चीज़ की जानकारी ये भी आप पता कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने सारी चीज़ बात करके प्रक्रिया पता की, एक्चुअली तो सारी चीज़ बताई नहीं जाती, लेकिन कुछ चीज़ें बात करके और कुछ प्रोसेस जो था आपकी पिछली प्रक्रिया को दौरान उन सबको ऐड करके मैंने सारी चीज़ की जानकारी आपको दी। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो पॉइंट है, जिन बच्चों के टाइपिंग प्रॉब्लम यदि वास्तविक पाई जाती है तो उस बात की प्रक्रिया ये होगी, क्योंकि प्रक्रिया होगी कि कुछ जजेस का इस पे डिसीजन लिया जा रहा है। अब ये क्या कितने हद तक सही है ये हाई कोर्ट ऑफिसल पे ही पता चल पाएगा या जो उनकी तारीख जानकारी दे जाए, क्योंकि फ्रेंड्स इस जगह पर एक प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि मैंने भी हाई कोर्ट की इस वैकेंसी की टाइपिंग दी है तो हमारे संस्थान पर ये टेस्ट से संबंधित सारी प्रक्रिया बताई गई थी, और जो स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम होती है अगर टाइपिंग टेस्ट के दौरान, तो ये भी बताया था कि कंट्रोल ई, जबकि जैसे कि मैंने आल्ट ई का यूज करके उस अपने टाइपिंग टेस्ट को रोकना है, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम के पहले ये सारी प्रक्रिया एक वीडियो बना के प्रोवाइड भी की थी। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स, तो इसलिए इसको एक कॉमन वो माना जा रहा है, अगर जेन्युइन प्रॉब्लम निकलती है तो हाई कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन होगा। पॉइंट नंबर टू है फ्रेंड, दूसरे स्टेज के फाइनल परिणाम नवंबर अंतिम सप्ताह में आने की आशा व्यक्त की जा रही है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट को भी लेके 2 से 3 डेट चेंज हुई है, तो यही एक्सपेक्टेड मानी जा रही है फ्रेंड्स कि नवंबर महीने के लास्ट में आ सकती है। पॉइंट नंबर थ्री है फ्रेंड्स, फाइनल सेलेक्ट जो रिजल्ट होगा कैंडिडेट्स की लिस्ट रहेगी, वो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट रहेगी, साथ में एक एडिशनल लिस्ट निकाली जाएगी फ्रेंड्स। जी हाँ, इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से सुने,
फाइनल रिजल्ट जो होगा वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रिजल्ट रहेगी, साथ में आपको एडिशनल लिस्ट निकलेगी जो कि पूरी वैकेंसी की 10% होगी। लाइक दैट फ्रेंड्स, 1780 वैकेंसी के आसपास में ग्रुप सी का जो आपका पोस्ट है तो उसका 10% 178 पोस्ट आपकी एडिशनल रहेगी। किसी भी वजह से अगर दूसरे कैंडिडेट्स छोड़ते हैं अगर पोस्ट, तो जिनका नंबर ज़्यादा रहेगा उस हायरची के अकॉर्डिंग उनको प्रेफरेंस पहले दिया जाएगा। तो ये चीज़ एडिशनल लिस्ट होगी। ग्रुप डी में 200 पोस्ट, नियर अबाउट 2000 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर में आपकी 50 सीट लगभग, ये सीट क्या होगी आपकी एडिशनल लिस्ट भी साथ में मिलेगी आपको फ्रेंड। तो दोनों लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना वो सिलेक्शन चेकआउट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 है फ्रेंड्स, फाइनल रिजल्ट में आपकी ज्वाइनिंग जिले के साथ में आ सकती है या आई है, क्योंकि पिछली वैकेंसियों में ये चीज़ होता हुआ है। और फ्रेंड्स एक चीज़ और, इसी जिले के कोर्ट में जहाँ आपको जॉब करनी है, जो आपकी ज्वाइनिंग जिला आता है, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको और अन्य प्रमाण पत्र यहीं पर जमा करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आज जिस जिले में आप सेलेक्ट होंगे उसी जिले के कोर्ट में करवाना होगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड, जिस यदि आप मेडिकल सर्टिफिकेट अपने जिले या किसी भी अन्य जिले जिले के सरकारी अस्पताल से बनवा सकते हैं, ये कोई सर्टेन नहीं है कि जिस जिले के आपको वहीं से बनवाना पड़े। तो ये चीज़ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिलेटेड कुछ हायरची मैंने बताई है आपको कि किस अकॉर्डिंग की होगा। तो ये होगा आपका फाइनल क्रम जिसके कारण आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका आएगा फाइनल रिजल्ट जो आपके नवंबर लास्ट मंथ में आने का, नवंबर लास्ट के लास्ट वीक में आने का पूरा आशा व्यक्त की जा रही है। तो देखते हैं कितना ये सच होता है। सबसे पहले आपका आएगा फाइनल रिजल्ट और उसी जिले में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फ्रेंड्स। उसका जो अगला प्रोसेस होता है वो मेडिकल होता है। पुलिस वेरिफिकेशन भी कई सारी पोस्ट में की जाती है, तो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, इसमें भी किया जा सकता है। और उसके बाद होगी आपकी फाइनल जॉइनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब सारे एक्सपेक्टेड थे। काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट आया, लगातार कमेंट आ रहा था, मैसेज आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियो का वहाँ पे वो करके, जिसमें नियर अबाउट 5000 प्लस व्यूज़ आए हैं और लगातार सारे वीडियो में काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से। धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। तो फ्रेंड्स एक लास्ट में यही कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और क्योंकि लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन जो भी होती है इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलते हैं। चलिए फ्रेंड वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।